बोलिए स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रश्न है बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फिजिक्स का है। और हमने इस प्रश्न को देखा, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में जैसे क्लास 9th और क्लास 11th में तो है ही, लेकिन ये हमने देखा इसको कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है। तो इसलिए हम इस तरह के प्रश्नों को, तो हमने छोटा सोचा कि चलिए एक प्रश्न इससे लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न को आप हवा की तरह उड़ा दे सकते हैं। चलिए आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है? किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जैसे बच्चे बॉल खेलते हैं, बॉल को फेंकते हैं, या आम को तोड़ते समय बच्चे किसी मिट्टी के कण को या फिर पत्थर के कण को या ईंटे के कण से आम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो ऐसे इसी तरह से किसी पिंड को मान लीजिए बॉल ही है, ऐसे ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है ना। जब इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये इसका जो वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग, u बराबर कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, जैसे ही ये पृथ्वी आपके हाथ से छूटेगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, तुरंत इस पे जी एक्टिवेट हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहां? नीचे की ओर, मतलब प्रत्येक जगह जी इस बॉल पर काम करने लगेगा और यह जी क्या करेगा, बॉल को नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है। तो अब आप समझ सकते हैं, और यही कारण है ग्रेविटी के कारण ही, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही ऊपर जाती हुई वस्तु कुछ देर बाद नीचे आ जाती है। तो ये बॉल भी कुछ ऊपर तक जाएगा और जब जाएगा तो आपके द्वारा इस पिंड पर दिया गया जो वेग है वो वेग क्या हो जाएगा? ग्रेविटी के कारण शून्य हो जाएगा, अर्थात इसका अंतिम वेग भी बराबर हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो अब फिर ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो ये मान लीजिए धरातल पे आ गया बॉल, नीचे गिर गया, तो ये इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। तो हमें यही ज्ञात करना है कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो इसको आप h मान सकते हैं, g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या है, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आती है तो उसके लिए सूत्र क्या है? जब कोई पिंड नीचे से ऊपर जाती है तो उसके लिए सूत्र क्या है? तो जब कोई पिंड नीचे से ऊपर जाती है तो इसके लिए सूत्र होता है u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर। आपने ये पढ़ा होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सेम वही फार्मूला है। ये तो तब लगता है जब कोई लाइनियर मोशन होता है, कोई प्लेन पर कोई पिंड मोशन करता है, गति करता है, तब ये सूत्र लगता है। लेकिन जब कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाता है तो वहां a नहीं लगता, वहां त्वरण नहीं लगता, गुरुत्वीय त्वरण लगता है, तो यहाँ a की जगह पर g लग जाता है, ठीक है ना। और यस का मतलब दूरी होता है, दूरी की जगह पे यस हो जाता है। अब चूंकि ये जो g लग रहा है ये g आपके द्वारा वस्तु को दी गई जो वेग है या गति है उसके विपरीत दिशा में लग रही है, क्योंकि वेग कहाँ है? ऊपर की ओर है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगेगा, तो अर्थात घटेगा। तो कहने का मतलब है ये यहाँ घट जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, यू के जगह पर आपके द्वारा दिया गया वेग कितना है? 10 है, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 गुणे जी के जगह पे 10 हो जाएगा गुणे एच, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर वी का मान क्या है? 0 है तो 0 रख देंगे, तो यह हो जाएगा 10 दहियम 100। अब इसको आप क्या करो, उधर ले जाओ तो 2 दहियम 20 एच हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, या फिर हो जाएगा एच बराबर कितना? 100/20, ठीक है ना, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड होगा 20/25/100, तो एच बराबर कितना आ गया? 5 मीटर। तो ये अधिकतम 5 मीटर के ऊंचाई पर जाएगा और 5 मीटर के ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात फिर पुनः यह क्या होगा? बॉल नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर कोई सस्पेंस है, डाउट है, तो जरूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ ही आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।